गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीपीएस और स्टैंडर्ड 6 इन द सेकंड। टुडे आई विल टीच राइट लेसन 3 क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 है तत्सम व तद्भव शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जा रहा है तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, जल, बालक, गुरु आदि। तद्भव शब्द शब्द के संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर मूल रूप से बिगड़ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज ये सूर से है, सांप सर्प से, आग अग्नि से आदि। नेक्स्ट, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद लिखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। और आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ व यौगिक शब्द में अंतर उदाहरण से लिखिए। तो ये आप अपने पेज नंबर 17 पर यौगिक शब्द दिया हुआ है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई प्लस रसोई घर, पाठशाला, पान बाग। और दूसरा यौग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हो लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ हो यौग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जल प्लस अज जलज, दस प्लस आनंद दशानंद, नील प्लस कंठ नील। ये आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए, कल आपकी बुक फिलिंग करवाएंगे। ओके, दैट्स इट।